मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एक दिवसीय हमीरपुर दौरे के दौरान दोपहर बाद पहुंचने पर सबसे पहले डुग्गा पुल का उद्घाटन करने पहुंच गए। दौरे के दौरान अचानक फेरबदल करते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा डुग्गा पुल का जायजा लिया, बल्कि उद्घाटन भी किया गया। हमीरपुर में एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 11 करोड़ 61 लाख के विकास कार्यों के लोकार्पण किए। 61 लाख की लागत से बने डुग्गा पुल का उद्घाटन करने के बाद हमीरपुर में 4 करोड़ की लागत से निर्मित पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया और औद्योगिक विश्वविद्यालय नेहरी कैंपस में 4 करोड़ 70 लाख से निर्मित स्नातक शैक्षणिक खंड तथा 2 करोड़ 35 लाख की लागत से निर्मित गर्ल्स हॉस्टल का लोकार्पण किया और नेहरी में जनसभा को भी संबोधित किया। नेहरी में जनसभा के बाद जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर में पगड़ी रस्म में हिस्सा लेने के बाद पूजा अर्चना करके हमीर उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बरसात के दौरान और उसके बाद सड़कों की हालत खराब रहती है और इनको दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने तेज गति से सड़कों को ठीक किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पहली बार 200 करोड़ सड़कों के रख रखाव के लिए दिया गया है। जहां से हम आए ऐसी भी स्थिति नहीं थी जिसको बोला जा सकता। बरसात के बाद जो है हमारी हिमाचल की परिस्थिति ऐसी है, बरसात आए सड़क का नुकसान होता है, खराब होती है। सर्दी का मौसम आए सड़क खराब होती है और इसलिए बहुत सारा वक्त हमारा उसमें जाया जाता है, बहुत सारा पैसा भी उसमें लगता है जब सड़क खराब होती है दोनों मौसम के कारण। अभी बरसात का मौसम खत्म हुआ, सड़कें डैमेज हुई थी, बड़े स्तर पर हुई थी और मैं इस बात को कह सकता हूं जितनी तेज गति से हमने सड़कों को रिस्टोर करने की कोशिश की और रिस्टोर करने के साथ साथ में उनकी जो मेंटेनेंस जितनी भी होनी थी उस सारी चीज़ के लिए ये पहली बार है जब 200 करोड़ रुपए सड़कों की मेंटेनेंस के लिए जो है अलग से प्रावधान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से किया गया। कभी भी इतना पैसा नहीं होता था। अभी काम चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ठीक हो जाएगा और भी ज़्यादा ठीक हो जाएगा, साथ भी ज़्यादा नुकसान हुआ। डुग्गा पुल के आधे अधूरे काम पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पुल की पूरी रिपोर्ट लेने के बाद उद्घाटन किया गया है और पुल की दोनों ओर से काम को पूरा करने के लिए कुछ समय लगेगा। उन्होंने कहा कि पुल की टायरिंग नहीं की गई है और पुल बनकर तैयार हुआ है जिसके चलते ही उद्घाटन किया गया है। देखिए हम उस पुल के ऊपर से गुजर करके आए हैं, गाड़ियां उस पुल के ऊपर चल रही है, पुल बनकर के पूर्ण रूप से तैयार। मैंने पूरी रिपोर्ट लेने के बाद मैं इस उद्घाटन के लिए आया हूँ और जहां तक जिस बात का जिक्र करने की कोशिश हो रही है उसका कोई औचित्य नहीं है। दोनों तरफ से अबेटमेंट जो है वो सेटल होने में 2-3 महीने लगते हैं, 2-3 महीने लगते हैं और अबेटमेंट जोड़ दी गई है, पुल पूरी तरह से तैयार है। अगर उसको हम आज की तारीख में टायरिंग कर देते, जल्दी में टायरिंग कर देते तो उसके लिए उसके बाद वो डैमेज हो जाती है क्योंकि जमीन सेटल होती है नीचे, तो वो एक टेक्निकल इशू था। और ऐसा नहीं है कि वे पुल बन करके, पुल तो बन करके तैयार पूर्ण रूप से था और उसके कारण ही हमने उद्घाटन किया। कांग्रेस की चार्जशीट पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस 1 साल की चार्जशीट देगी तो हम 5 साल की चार्जशीट सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ और पार्टी के नेताओं के खिलाफ चार्जशीट में सत्यता नहीं है और उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए वो 1 साल की देंगे, हमारे पास उनकी 5 साल की पड़ी हुई है और जहाँ तक अगर सुझाव की दृष्टि से उनके कुछ आग्रह आएंगे उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है, लेकिन अगर अनावश्यक रूप से सरकार के खिलाफ, सरकार के हमारे पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस प्रकार की कुछ बातें करेंगे जिसमें सत्यता नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो वो बातें बर्दाश्त भी नहीं। देखिए उनके आंदोलन करने हम उनको रोकने, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उनको रोकने की बात नहीं है, लेकिन सरकार अपना काम जो उचित लगता है वो हम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के द्वारा नेहरी कॉलेज की मांग का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि जिस पर मुख्यमंत्री ने धूमल का सम्मान करते हुए कहा कि धूमल आग्रह ना करें और धूमल जी का आदेश है जिसे सरकार जरूर पूरा करेगी। और उसके साथ साथ में एक और बात यहां पर जिसका सब लोगों ने समर्थन किया है, माननीय विधायक महोदय जी ने समर्थन किया है, भाई अनुराग ठाकुर जी ने भी बहुत जोरदार ढंग से समर्थन किया है, आदरणीय धूमल जी ने तो कहा है कि ये करना ही है और इनका कहा वो ये हमारे लिए आदेश है। और सब लोगों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग
पर पीजी ब्लॉक जो है ये इस बात के लिए कहा गया है कि ये होना चाहिए, पीजी ब्लॉक के लिए होना चाहिए। और जो एस्टिमेशन के हिसाब से जो बताया गया, मुझे जो जानकारी बताई गई कि लगभग 6,70,00,000 के लागत के से ये बनेगा, तो मैं एस्टिमेट के मुताबिक इसके लिए जो है ये राशि भी स्वीकृत करता हूं। और मैं आपको बीच में ये कहना चाहता हूं, और इससे मुझे लगता है कि इस संस्थान को एक बहुत बड़ी एक सुविधा, जिस सुविधा की आज तक आवश्यकता महसूस हो रही थी, उसको पूर्ण करने में हम सफल होंगे।